Hello everyone, welcome to your Tech Connection channel. Today I'm going to show you how to cut an object from an image and how to set or change background from that particular object. So let's start. Firstly, open VSTC applications. To create a new project, so click a black project icon. आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा. उसके बाद आप एडिटर में जाइए, ऐड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे. इमेज सेलेक्ट करने के लिए इमेज आइकन पर क्लिक करें. आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लीजिए. क्लिक ओपन बटन, क्लिक ओके बटन. उसके बाद हम सेकेंड इमेज सेलेक्ट करेंगे. ये आप जो इमेज देख रहे हैं, हम इसको एज अ बैकग्राउंड लेंगे. सेकेंड इमेज सेलेक्ट करने के लिए एडिटर पर जाइए, ऐड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, इमेज पर क्लिक करें. सेकेंड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं. क्लिक ओपन बटन, क्लिक ओके बटन. इसके बाद इस इमेज पे डबल क्लिक करें, ये ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ से फ्री शेप पे क्लिक करें. क्लिक ओके बटन. इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को कट करेंगे. ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए सबसे पहले फ्री शेप पर जाइए. यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री शेप नहीं आ रहा है. आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर डबल क्लिक करें, यहाँ पर जितने भी शेप पॉइंट्स हैं इनको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दीजिए. अब यहाँ से हम न्यू शेप क्रिएट करेंगे. स्टार्ट न्यू शेप पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें. यह आपका स्टार्ट पॉइंट है. इसके बाद हम इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे. इस इमेज को, इस ऑब्जेक्ट को हम कवर कर लेते हैं. आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैं थोड़ी जल्दी में कर रही हूँ. मैं आपको बस तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं इमेज में से. इसके बाद हम इस इमेज का बैकग्राउंड सेट करेंगे. आप देख सकते हैं मैंने इस ऑब्जेक्ट को कवर कर लिया है. इसके बाद ये आप देख सकते हैं वाइट कलर का है, इसको हम ब्लैक में करेंगे. अगर ब्लैक होगा तो वाइट में कर दीजिएगा. यहाँ से आप ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक ओके बटन क्लिक करिए. आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो गया है. इसके बाद आप सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है. इस ऑब्जेक्ट को कवर करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड मास्क पे क्लिक करें. आप देख सकते हैं आपके सामने जो आपने इमेज को कवर किया था वो आपके सामने आ चुकी है, और जो बैकग्राउंड जो इसका बैकग्राउंड जो था वो रिमूव हो चुका है.
आप अपने अकॉर्डिंग इस इमेज को फ्री शेप की हेल्प से कट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पे जाइए, ये जो इमेज है आपने जहाँ भी आपने मूव करनी है वहाँ पर आप मूव कर दीजिए इसको। यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ। इसके बाद जो फर्स्ट इमेज थी उसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेच इमेज, इसको आप नो से यस कर लीजिए। ये जो आपकी इमेज है देख सकते हैं काफ़ी हद तक आपने अच्छे से क्रॉप कर ली है, और जो बाकी जो चीज़ है आपकी आप यहाँ पर अच्छे से इसको और अच्छे से कर सकते हैं। फ्री शेप में जाके शेप पॉइंट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, चाहे तो या यहाँ से आप स्ट्रेच इमेज पे क्लिक करिए और यस पे क्लिक करिए। अब आप इस इमेज को यहाँ पर जैसे भी चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।